फिनोइज पे गेल शेयर में गिरावट बना है, स्टॉक में अभी आप एक गिरावट बनता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि आप जो सेल करना चाहिए। स्टॉक का प्राइस हम लोगों ने देखा है बीच में जो है 111 रुपया आया, फिर उसके भी थोड़ा ऊपर पहुंच गया था और बहुत ज़्यादा अभी गिरावट बना था। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे बनाया था कि दोस्तों ये जो शेयर है अभी 111-112 रुपये पहुँच गया, तो हो सकता है कि यहाँ से गिरावट बन सकता है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक में जो गिरावट बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे अपडेट्स है इस स्टॉक को लेकर आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। और रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, केपी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोविच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। तो गेल के शेयर में दोस्तों एक दिन के अंदर 0.3% का गिरावट बनता हुआ दिखा है, और वही बात करते हैं वन वीक के अंदर स्टॉक जो है 3.6% का गिरावट दिया, वन मंथ के अंदर 10% का जो यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला था। आपने देखा रहेगा कि गेल जो है कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है एक डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, लगभग 3 या 4 रुपये के आसपास जो है एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों को एक अच्छा खासा डिविडेंड अभी गेल में देखने को मिला रहेगा। फिलहाल गेल के शेयर को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है, और अंडर रेडर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी जो है 70 out of 100, वैल्यूएशन जो 61.80 out of 100, एंड जो मोमेंटियम है 59.90 out of 100। बात करते हैं दोस्तों टेक्निकली ये शेयर का, तो टेक्निकली जो है गेल का शेयर आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है, एंड RSI इंडिकेटर जो है वो अभी कह रहा है कि ये जो गेल के शेयर है भाई ना कि ओवरबॉट जोन में है ना कि ओवरसोल्ड जोन में है, एंड MACD इंडिकेटर भी जो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो शेयर है एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे गेल का शेयर का आप देखते हैं तो लगभग बोल सकते कि ये शेयर जो है बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, और यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस का देखते हैं गेल के शेयर का, माफ कीजिए, जो इस गेल के शेयर का चल रहा था, तो स्टॉक के प्राइस में जो है एक हफ्ते के अंदर इसने एक जो हाई माफ कीजिए लो प्राइस जो बनाया था 101.90 रुपये का इसने एक लो प्राइस बनाया था, और वही जो है इसने एक जो है एक हाई प्राइस बनाया था 112.20 रुपये का। तो एक हफ्ते के अंदर 112.20 रुपये का इसने एक हाई प्राइस बना लिया था, बहुत ज़्यादा तेजी स्टॉक पे देखने को मिला था। और बात करते दोस्तों यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर जो स्टॉक में तेजी बना है वही देखते हैं, तो एक महीने के अंदर जो है इसका जो लो प्राइस था वो था 96.25 पैसे का, और जो हाई प्राइस था 112.80 रुपये का। एंड 3 महीने के अंदर गेल के शेयर में जो लो प्राइस बनाया था वो था 90.65 पैसे का, एंड हाई प्राइस था वो 112.80 रुपये का। तो यहाँ पे जो इसका हाई प्राइस था 112.80 रुपये का, तो बहुत बढ़िया इसने एक रिटर्न दिया था। और स्टॉक अगर देखते दोस्तों गेल का शेयर जो है 95-96 के आसपास पहुंचता है, और उसके बाद थोड़ा जो शेयर में एक तेजी बनता है 99-100 के आसपास जाता है, और फिर से स्टॉक में जो एक गिरावट बनता है वही हम लोगों को देखने को मिलता है गेल के शेयर में। और फिलहाल यहाँ पे जो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिला था, और डिविडेंड भी जो है गेल ने दिया था, तो बहुत सारे जो है अपडेट्स था उसके चलते जो है स्टॉक में एक तेजी बनता हुआ दिखा था। और फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो गेल के जो शेयर में एक टारगेट प्राइस हम लोग को देखने को मिल रहा है, और वो टारगेट प्राइस है 113.33 रुपये का, 113.33 रुपये का जो एक एवरेज बुलकर टारगेट प्राइस है 113.33 रुपये का। तो ये टारगेट प्राइस के लिए फिलहाल जो है बिल्कुल अभी नहीं खरीदना चाहिए हमें ऐसा लगता है। और बात करते हैं दोस्तों इसका जो एक अपडेट अभी यहाँ पे देखने को मिला है गेल के शेयर में, एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि गेल के शेयर में अगर किसी के पास है तो आपने देखा रहेगा बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेंगे जिन लोगों ने गेल के शेयर में थोड़ा ज़्यादा प्राइस में खरीद के रखा है, और अभी स्टॉक में जो गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे गेल जो है स्लम्सेस एनालिस्ट से प्राइस हाइक लार्जली फैक्टर्ड इन। तो फिलहाल यहाँ पे MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है सेट गेल इज फेवरेबली प्लेस थ्रू द रिसेंट स्टॉक आउट परफॉर्म्स प्राइजेस इन मोस्ट पॉजिटिव एज इट डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन द स्टॉक टू होल्ड फ्रॉम बाई। तो यहाँ पे जो MK ग्लोबल है उनके ओर से एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च किया गया है गेल के शेयर को लेके, और उन लोगों को लगता है कि फिलहाल अभी जो स्टॉक में हम लोग देखेंगे तो बोल सकते हैं कि जो है बाई या फिर जो किसी के पास है तो वो होल्ड भी कर सकता है। द शेयर्स ऑफ गेल इंडिया स्लम्प 3% इन द अर्ली ट्रेड ऑन March 23 एज एनालिस्ट सेड मोस्ट पॉजिटिव अराइजिंग आउट ऑफ ए टैरिफ हाइक हैड बीन फैक्टर्ड इन द स्टॉक प्राइस। March 2022 द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड अनाउंस्ड न्यू टैरिफ्स। तो द न्यू टैरिफ फॉर द इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस पाइपलाइन ऑफ गेल विल बी ₹58.61 पर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट
व्हिच इज 45% हायर देन द करंट रेट. द चेंज कम्स इन टू एफेक्ट ऑन April 1, 2023. सर्विसेज सेट क्या येलनो कह रहा है कि फिलहाल अभी गेल के शेयर में देखेंगे तो ब्रोकरेज फर्म डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन द स्टॉक टू होल्ड फ्रॉम बाय. तो पहले मतलब इन लोगों ने अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी कह रहा है एमके ग्लोबल की ये जो शेयर है गेल का इसको अभी मतलब बाय नहीं करना चाहिए. देखिए अभी अगर देखेंगे तो मतलब होल्ड करना चाहिए ऐसा कह रहा है ये लोग. तो स्टॉक में जो है अभी 105 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है स्टॉक का प्राइस और गेल का. और वही बात करते दोस्तों जो इसका जो टैरिफ है जो हम लोगों ने अभी देखा है देखने को मिल रहा है जो टैरिफ है उसमें भी थोड़ा चेंजेस हुआ है जो अप्रैल मंथ शुरू हो जाएगा. एंड गेल का अभी जो स्टॉक का अगर देखेंगे तो जो जेपी मॉर्गन ने इंक्रीज ईपीएस एस्टीमेट तो जेपी मॉर्गन के ओर से भी गेल को लेके बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है. एंड जेपी मॉर्गन आप देख सकते हैं जो इन लोगों ने एक बताया कि जो इसका जो ईपीएस है एस्टिमेटेड ईपीएस फाइनेंशियल 24 से लेके 25 तक वो जो है 11 से लेके 16% के आसपास हो सकता है. एंड मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उन लोगों ने जो यहाँ पे एस्टिमेटेड EBIDTA दिया है ये एस्टिमेटेड है फाइनेंशियल 24 का. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो EBIDTA जो है वो 134 बिलियन रुपीज़ या फिर 116 बिलियन रुपीज़ के आसपास हो सकता है. तो सिमिलरली द डोमेस्टिक ब्रोकरेज जो है यहाँ पे फ्रॉम है डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म हैज ऑल्सो रेज्ड इट्स फाइनेंशियल 24 ईपीएस एस्टिमेटेड बाय 16% टू 14.4% फ्रॉम 12.4%. तो यहाँ पे आप देखते हैं दोस्तों तो जेपी मॉर्गन कह रहे हैं इसका जो एस्टिमेटेड ईपीएस हो सकता है 24-25 का फाइनेंशियल ईयर उसमें 11 से लेकर 16% के आसपास देखने को मिले. और मोतीलाल ओसवाल वही बात करते हैं तो जो उनको लगता है मोतीलाल ओसवाल को लगता है जो इसका EBITDA एस्टिमेटेड दिया गया है फाइनेंशियल 24 का वो 134 बिलियन से लेके 164 बिलियन के आसपास रह सकता है. और जो इसका ईपीएस है वो 16% से लेके जो है 16% तक हो सकता है. और जो पहले अगर देखेंगे तो 12.4% के आसपास था या फिर 14.4% के आसपास था. तो अभी यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर गेल में किसी ने बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब अभी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस में जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ी बनता हुआ दिखा था अगर किसी ने गेल के स्टॉक में ज़्यादा प्राइस में लेके रखा है आपने देखा है अभी स्टॉक जो है लगभग 112-113 रुपये के आसपास पहुँच गया था उसके बाद गिरावट बनता हुआ दिख रहा है और 105-106 रुपये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट. तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेंगे जिन लोगों ने ज्यादा प्राइस में इसको खरीद के रखा है गेल के शेयर में. तो बहुत ही बढ़िया सा रिसर्च कर लेने एक बार चाहिए अगर आप गेल के शेयर में होल्ड करते हैं और अभी अगर इसमें आप खरीदारी करना चाहते हैं. और अगर दोस्तों आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे तो गेल ने जो है अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को 46 डिविडेंड्स दे चुका है 46 डिविडेंड दिया है. और अभी यहाँ पे दोस्तों पास 12 मंथ के अंदर देखेंगे तो गेल ने जो है 5 रुपये का डिविडेंड दिया है पर शेयर का. और अभी जो यहाँ पे एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है आप लोगों में से जिसको जो है गेल के ये डिविडेंड मिला रहेगा जो कि है 4 रुपया. और इंटरिम डिविडेंड मार्च जो है 21 को दिया गया है इंटरिम डिविडेंड है और इसके पहले भी डिविडेंड देखें तो लगभग अगर गेल का शेयर हम लोग देखते हैं तो 6 रुपये के अंदर ही 6-7 रुपये के अंदर ही जो है यहाँ पे एक डिविडेंड साल का देखने को मिल जाता है. तो साल का जो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं तो लगभग अगर देखेंगे तो 6-7 रुपये के आसपास से डिविडेंड देखने को मिलता है. इससे ज़्यादा शायद से नहीं देखने को मिला डिविडेंड गेल के शेयर में. और गेल का स्टॉक बहुत बार हम लोगों ने जो है इसको लेकर वीडियोस बनाए और वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है. तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर किसी ने स्टॉक को ज़्यादा प्राइस में खरीद के रखा है तो बहुत ही बढ़िया से रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे होल्ड करना चाहिए. डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे गेल के शेयर में जो है बाय करना चाहिए फिर होल्ड करना चाहिए. रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले. कोई उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए.